भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। ब्राजील दोस्तों, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप विन कर लिया है, तो जश्न मनाया जाए। जबरदस्त, ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक। वो उसका काम था, जैसे वो मोमेंटम बना था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। इन पाकिस्तानियों के अब्बू ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, अब पाकिस्तानी अपनी राय दे रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया के पीछे गया, वापस आया, पाम टकराने नहीं दिया उसने स्टंपिंग से। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। जबकि आज तो इतना बड़ा इवेंट हुआ है कि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, तो पाकिस्तानी अपनी नाक घुसेड़े बिना कैसे रह सकते हैं। इनके लिए तो वो गाना गाया था आज से 60-70 साल 80 साल पहले, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सारे के सारे अब्दुल्ला हिंदुस्तान की जीत पे बावले हो रहे हैं। इनकी अपनी टीम तो पहले राउंड से बाहर हो गई। और एक रिपोर्टर तो ये तक भी बोले कि हम अपनी टीम को तंकीद करते करते थक गए। तंकीद मतलब शिकायत करते करते थक गए, अब हमें बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो हम अपने गिरेवान में जाके हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, हमने क्या कारकर्दगी दिखाई, तो सर हमें छोड़े, हमने तो अपने आप को कोस कोस के अब हम थक चुके हैं, हम बात कर लेते चले, हम इनमें से कोई टीम अपनी चूज कर रहे थे, आप मुझे बताएं। इतनी होपलेस कौम हो चुकी है, अभी अपनी अब्बू की खुशी में जश्न मना रहे हैं। हम कह सकते हैं जो टीम डिजर्व करती थी, वासिफ भाई जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना उसने उठाई है, भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व, सही है, सही है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है 10 अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जश्न का समय है। इंडियन फैंस को, इंडियन जो लवर्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जो लवर्स हैं, वो भी अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने तौर पर पाकिस्तान में कर रहे हैं। और दोस्तों 2007 के बाद इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप विन किया है, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन के वो 17 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप, और ये ट्रॉफी वो चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और मैं कहूंगी कि पाकिस्तान तुम भी कुछ कर लो। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 176 का इतना बड़ा टारगेट दिया, साउथ अफ्रीका वो टारगेट ना झेल सकी, ना बर्दाश्त कर सकी, और वर्ल्ड कप इंडिया पहुंच गया। जी बेसिकली ऐसा है कि इंडिया ने जब भी प्ले किया है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है, और दैट्स द मेन मेजर रीजन की जिसकी वजह से उन्होंने वन किया है और वो आगे इसी तरह जीतते आए हैं। सो अगर हम बात करें विराट की, इट्स अ बिग नेम, सो जिस मैच में विराट परफॉर्म करे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो विन ना कर सकें। सो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, दे प्लेड अ बेस्ट। एंड सर रोहित शर्मा की कप्तानी में 17 साल बाद वर्ल्ड कप उतर गया, जरा सोचे वो कितना खुश होंगे। या इट्स अ बिग अचीवमेंट, या बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज वर्ल्ड कप जीतना अब हमारा भी ख्वाब था, लेकिन हमारे अपनी परफॉर्मेंस से हटे, अपने स्टैट्स बेहतर करने से हटे तो कुछ बेहतर हो। सो आई जस्ट वांट टू से कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस। इंडिया से जो देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, बड़ा दिन है, करोड़ों लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस, आई थिंक दे डिजर्व टू विन, और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने, कीप इट अप, और मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। बीइंग अ पाकिस्तानी जरूरी नहीं कि हम उनको जो है ना कोई जेलसी में है, आई थिंक दे आर आवर नेबर्स और उनकी खुशी में हम शरीक हैं। सर हमारे खिलाड़ी खुद बड़े खुश हैं, टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं कि यही चीज़ हमें चाहिए थी टीम इंडिया से। देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी की मैं क्या कहूँ, दे हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हमें, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ, चले फ्यूचर में देखते हैं, अगर वो इम्प्रूव कर गए तो अच्छी बात होगी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना कोई खास मजा नहीं है। मेरे ख्याल में टीम कॉम्बिनेशन चेंज करनी चाहिए, नए खिलाड़ी लेके आने चाहिए, टैलेंट को लेके आना चाहिए, यंग टैलेंट को लेके आना चाहिए, और इंडिया को कॉपी करना चाहिए। देखिए इंडिया को कॉपी करने में टाइम लगेगा, वहाँ तक पहुँचने में काफी टाइम लगेगा। आप बड़ा हंस रहे हैं, कॉपी भी नहीं कर सकते इंडिया को। ये तो क्रिकेट खेलता ही नहीं है बाहर, लेकिन ये क्रिकेटर है। वर्ल्ड कप इंडिया चला गया है, इंडिया अनबीटेबल रहा, T20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद इंडिया पहुंच चुका है। विराट कोहली, रोहित शर्मा अनबीटेबल रहे, बड़े मैच के बड़े प्लेयर, और आज विराट ने 76 स्कोर किया, जसप्रीत बुमराह ने आते ही विकेट लिया, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त, एंड दे डिजर्व दिस वन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। वो पहले से ही बहुत अच्छा खेल रहे थे, फॉर्म में थी टीम, फॉर्म में थी, ठीक है, शुरू से ही, हाँ ठीक है। उनके सारे प्लेयर्स, चाहे आप उनके बॉलर्स ले लें, सिराज ले लें, बुमराह ले लें, अर्शदीप भी ठीक था,
लेकिन बाकी ये जो थे ना ये बहुत अच्छा खेल रहे थे शुरू से, और जो उनके बैट्समैन है रोहित शर्मा माय फेवरेट ऑल द टाइम, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन विराट ऑब्वियसली सबसे बेस्ट बैट्समैन मेरा ख्याल से तो अभी भी वही है विराट। और आज का पूरा मैच मुझे लगता है बनाने में विराट कोहली का बहुत हाथ है, कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में खड़े रहना। साउथ अफ्रीका भी कम्पेटिटिव थी काफी ज्यादा, तो दे डिजर्व दिस विक्ट्री। ऐसे अब आपको देख रहे हैं प्यारी प्यारी लड़कियां क्या कहेंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू गाइस डिजर्व दिस वन। आप क्या कहेंगे 17 साल बाद वर्ल्ड कप इंडिया में आ गया है? फॉर श्योर दे डिजर्वड इट, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो जो जितना डिजर्व करता है उसको इतना मिलता भी है, और इंडिया डिजर्व कर रहा था। काफी टाइम से मैम 2023 की बात करें 10 मैच जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन इंडिया का दिन नहीं था, वो फाइनल नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपनी जबरदस्त कैप्टनशिप थी उसकी, बिल्कुल प्लानिंग थी बहुत ज्यादा अच्छी, और हो सकता है कि वो रिटायरमेंट भी दे दे इस वर्ल्ड कप के बाद। आई होप कि हमारे जो मुल्क के प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा उनसे थोड़ी सी इलियास से सीख ले, बिल्कुल जरा सीख ले थोड़ा। विराट कोहली ने आज बहुत अच्छा खेला, जैसे वो पूरे वर्ल्ड कप में चला, आखिरी मैच में आकर उसने ऐसा धोया सर्फ एक्सेल की भी जरूरत नहीं पड़ी, सर्फ एक्सेल की भी जरूरत नहीं पड़ी। रोहित शर्मा नहीं चला तो विराट कोहली चल गया, जिस दिन विराट कोहली नहीं चला रोहित शर्मा चला। क्या उनकी जबरदस्त दोस्ती रही है। आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया 17 साल के बाद, अब पाकिस्तानी टैलेंट हो, पाकिस्तानी बच्चे हो, यूथ हो, क्या फीलिंग है इस वक्त, कितना बड़ा दिन था उनके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया के आप वर्ल्ड कप जीत गए 17 साल बाद, और जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे तो वो इतना अच्छा नहीं चलते हैं, वो दोनों ओपनिंग में आउट हो गए हैं। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया के मैच के खिलाफ देखा पिछले साल के, वो शुभमन गिल भी गया पहली बॉल पे और रोहित शर्मा भी कुछ स्कोर के बाद चला गया। इस वजह है जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। आप क्या कहेंगे, इंडिया ने वर्ल्ड कप विन कर लिया है? इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस के वो 17 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप, और ये ट्रॉफी वो चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और मैं कहूँगी कि पाकिस्तान तुम भी कुछ कर लो। मैं मुझे इतना प्यार आ रहा है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे कितनी सेंसिटिव बातें करें। आपको लग रहा था मैच स्टार्ट होने से पहले कि वाकई इंडिया ये ट्रॉफी जीतेगा कि 50-50 लग रहा था? नहीं नहीं, मुकम्मल उसके ऊपर था कि हाँ वो था जज्बा था, भरोसा था कि ये इंडिया के पास ना, ये इस दफा की ट्रॉफी इंडिया के पास ही जा रही है, और वो डिजर्व भी करते थे ना, 17 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, इतनी स्ट्रगल के बाद चलो उन्होंने भी कुछ अच्छा खेला तो वेल डन टीम इंडिया। आप क्या कहेंगी? कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, ये सब विराट कोहली की वजह से हुआ। उन्होंने बहुत मेहनत की, वो 16 ईयर से मेहनत करते आ रहे हैं, और बस के लोगों को बहुत कंग्रेचुलेशंस, और बस बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, हमारे लिए भी है क्योंकि हम छोटे छोटे फैंस का भी उन्होंने दिल जीत लिया। ओह माय गॉड, आपका भी दिल जीत लिया है। अच्छा आप किसकी फैन है ये तो बता दें। मैं जसप्रीत बुमराह। ओह बुमराह ने तो आज पहला विकेट ले ही लिया है। बुमराह ने भी बहुत अच्छा खेला, सारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो विराट कोहली ने धोया, ओहो विराट कोहली की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर 76 स्कोर और टोटल टारगेट 176। वर्ल्ड कप 17 साल के बाद सर इंडिया में चला गया, साउथ अफ्रीका खाली हाथ लौट गया। देखें ये तो अनफेयर है कि साउथ अफ्रीका मतलब अनबीटेबल रहा इस वर्ल्ड कप में और इस तरह से आउट होना, इट्स नॉट फेयर। लेकिन विराट कोहली और टीम इंडिया को देखा जाए तो दे आर नंबर वन, और विराट कोहली की जो रैंकिंग्स हैं और जो उनकी अनबीटेबल बैटिंग है तो ऑब्वियसली इंडिया शुड विन। सर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जो था वो ऑस्ट्रेलिया ले गया था ODI, इस दफा इंडिया के परफॉर्मेंस में ऐसा क्या चांद था? ऑस्ट्रेलिया को भी बुक किया, इंग्लैंड को भी बुक किया, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को भी टाटा बाय बाय। मैम देखें वो तो अनबीटेबल टीम है और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी तो ऑब्वियसली उनको जीतना ही चाहिए। सर आज इंडिया में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस है सर वो जश्न ऐसे मना रहे जैसे ईद हो, जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो, रोडों पे निकले ढोल ढमके चरागे पटाखे और लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ वर्ल्ड कप है तो उनके लिए खुशी का मौका, बहुत बड़ा दिन होता है। गुड लक फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, अभी आ रही है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी,
हम उनको सर वो तो पाकिस्तान में उसका चाम तो अलग है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तान की टीम को बहुत 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 सारी बधाइयां देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे दिल जीत लिए। दिल ये दिल हम 9 महीने पहले भी जीत सकते थे, 2 साल पहले भी जीत सकते थे, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम या रोहित शर्मा का लक इतना अच्छा नहीं रहा कि हम लास्ट मोमेंट पे जाके हार गए। लेकिन इस बार हमारी टीम ने करके दिखाया। वेल डन शर्मा जी के लोंडे। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।